कहाँ से आई दीदी, माइक से बोलिए। फरीदाबाद से आई हूँ गुरु जी, फरीदाबाद। फरीदाबाद, फरीदाबाद में कहाँ रहती हो? सेक्टर 64 जी, वहीं रहती हूँ। क्या समस्या लेके आई हैं गुरु जी? मुझे ब्रेन ट्यूमर है, 2 बार मेरा ऑपरेशन हो चुका है और मैं 3 तरह की दवाई खा रही हूँ जिससे मुझे बिल्कुल आराम नहीं। डॉक्टर ने ट्यूमर के साथ कोई और बीमारी बताई अलग से? नहीं, नस दबी हुई या कोई मेरा, और? मेरी जो ट्यूमर है वो नसों में दबा हुआ है। अच्छा, नसों। मैंने बेटा ये लिखा पढ़िए, देखो बेटा पकड़ना नहीं है। पति का नाम क्या आपके? दीपक। दीपक, पढ़िए माइक से पढ़ो। रूबी देवी जी, पति का नाम दीपक, आपके हमने लिखा है रूबी देवी जी, पति का नाम पति दीपक नामदेव, आयुर्वेदिक दवा लेती हैं आप और यही ले लाभ होगा। वर्तमान में कैंसर रोग है, ब्रेन में गांठ है, ब्रेन में गांठ है, तत्काल ही दवा लेना है नहीं तो दिक्कत आएगी, खतरा हो सकता है। ठीक है, सन 2024 से 2025 2026 तक लाभ मिलेगा। ये कैंसर की पोजीशन है, ठीक है ना? बस गुरु जी ऐसा आशीर्वाद में ठीक हो जाऊं। बहन बिल्कुल ठीक हो जाओगी, आशीर्वाद। ये मंत्र बेटा बैठो, अभी ये मंत्र हम लिख के दे रहे हैं, इसको लैमिनेशन करा के रखना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारी बंधन, ठीक है बहन? हवन करवा चुके? कैसे हवन बिगर में नहीं करा लिया? अच्छा पति आए हैं तो बेटा ये दोहरा पर्ची कटवाई होगी आपने, फिर माइक से बोलिए। ओके, आपने दोहरा पर्ची कटवाई होगी। हाँ जी बेटा, वो जब जो मैं कई बार बोल चुका हूँ, एक ही विषय पर न्यू पर्ची नहीं कटाना चाहिए, पुरानी पर्ची को दिखा करके ही चर्चा कर लेनी चाहिए। मुझे इसलिए कट रहा है क्योंकि मैं मिलना चाहती थी आपसे। अच्छा, हाँ जी, बस मेरे छोटी से बच्चे, मैं जल्दी से ठीक होना चाहती हूँ। अच्छा जाओ, ये मंत्र करना है, 108वां करना है, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारी बंधन करना है। यदि करेंगे तो सफलता मिलेगी, नहीं करोगे तुम जाओ तुम्हारा कामयाब।